हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये शीट बता रही हूँ। जैसे हम ये पॉलीथीन या गद्दे की पॉलीथीन है, बहुत बड़ी थी ये, तो मैंने कई चीज़ से बनाई है, तो अभी भी बहुत सारी पड़ी है, तो मैंने कहा इसका यूज़ किया जाए, क्या करें। पॉलीथीन का कुछ यूज़ समझ नहीं आया, तो मुझे एक चीज़ आइडिया आया कि भाई जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो फिर हम इतने कईयों के घर डाइनिंग टेबल होते हैं, कईयों के नहीं होते, तो वो छोटी मेज़ हो जाती है, तो उसमें वो इतनी सी छोटी मेज़ पे कैसे बैठ के खाएं। अब बिस्तर पे खाएंगे तो बिस्तर पे गिरता है, तो मैंने सोचा एक शीट बनाई जाए, कहीं पर भी बैठ के शीट बिछाई और बैठ के आराम से खा लिया, तो नीचे की बैट की शीट भी गंदी नहीं होगी बेड शीट, और वैसे भी इसके ऊपर रख के आराम से खा सकते हैं। तो मेरे को पॉलीथीन याद आया, पॉलीथीन तो हम आराम से साफ़ कर सकते हैं गीले कपड़े से, कपड़े का बना सकते हैं आप, अगर आपके पास कपड़ा है तो मोटा कपड़ा उसका भी बना सकते हैं शीट ऐसी। तो मैंने सोचा इसे पॉलीथीन का यूज़ किया जाए, तो मैं पॉलीथीन बना रही हूँ, ये आसान भी है, इसे बिछा के आराम से इसके ऊपर खाएं, तो गिर भी सकता है नीचे कुछ, तो कोई बात नहीं, हम गीले कपड़े साफ़ कर देंगे, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये पॉलीथीन लिया है, इसकी मैं चौड़ाई बता देती हूँ, इसकी लंबाई कितनी है, 25 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी है 40, ये देखिए 25 बाय 40, ये गद्दे की है, ये देखिए। तो क्या करेंगे, मेरे पास ये टुकड़ा पड़ा हुआ था, सूट का टुकड़ा है ये, तो मैंने इसकी पट्टियाँ काट ली हैं नाप से जितनी ये है। तो सबसे पहले मैं लंबी वाली जगह पे से ये लगाऊंगी। तो इसे क्या करेंगे, इसे मैंने 2 इंच चौड़ी है ये, अब इसे डबल कर दिया, ऐसे मैंने जैसे मैं वो पाइपिंग लगाती हूँ सेम वैसे ही मैं इसमें लगाऊंगी डबल करके, ये देखिए ऐसे ऐसे सिल लूँगी मैं इसके साथ, पहले ऐसे सिलना है, उसके बाद पलट के पीछे बैक साइड पे एक बार फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। तो कपड़े की पाइपिंग से ये देखने में भी सुंदर लगेगा, तो ये मैंने कपड़े की पाइपिंग लगा रही हूँ मैं इसमें। शीट बहुत ज़रूरी है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं गिर जाता है, बेड शीट गंदी हो जाती है, तो ये मैं इसके लिए बना रही हूँ, ये बिछा के आराम से हम खाना उस पर खा सकते हैं बेड पे भी। वैसे तो बेड पे नहीं खाना चाहिए, जिसके यहाँ जगह नहीं है वो क्या करें, बेड पे खा देंगे, इसलिए मैंने ये शीट बनाई है। ऐसे आप बच्चों के लिए भी, जैसे बच्चे शुशु करते हैं तो उनकी शीट भी होनी चाहिए, एक तरफ से कपड़ा एक तरफ से आप ये पॉलीथीन लगा लीजिए, यह कि अगर बच्चा शुशु भी करता है तो आपकी बेड बेड शीट या गद्दा वगैरह आपका ख़राब नहीं होएगा। तो सेम ऐसे ही आप सिल लीजिए, नीचे ये लगाइए ऊपर कपड़ा लगाइए, एक साइड में कपड़ा एक साइड में पॉलीथीन, और साइडों से ऐसे ही आप कपड़े से पाइपिंग लगा के सुंदर बना सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा होगा, यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए भी, अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा है तो आप ज़रूर बनाएं। बनाने में कोई भी भारी चीज़ नहीं है इसमें, आप क्या करेंगे बस एक तरफ ही हम, जैसे मैंने ये लिया है सिंपल लगा रही हूँ मैं, तो बस एक तरफ तो ये पॉलीथीन रहेगी, दूसरी साइड हम कपड़ा लगा लेंगे, बहुत ही ईजी है। इससे अपने गद्दे वद्दे गद्दे के ऊपर बच्चा शुशु करता भी है तो गद्दा नीचे से गिल्ला नहीं होएगा, ये पॉलीथीन उसे बचा लेगी अगर हम इसे बिछाएंगे। तो ऐसे करके हम बची हुई चीज़ों से ही घर का कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जैसे मुझे बैठे बैठे आइडिया आ गया कि भाई अब कुछ इस पॉलीथीन का क्या किया जाए, तो मैंने ये पॉलीथीन यूज में लाने की सोची। अब ये देखिए ऐसे करके हम इसे सिलाई लगा दें, सिल गए।
ऐसे ही पॉलीथीन से आप बहुत से सामान बना सकते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। ऐसे बहुत से आपको वेस्ट पड़े हुई चीज़ों के, पॉलीथीन के बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ बताने जाऊंगी अगले वीडियो में। देखिए इसलिए तो ऐसे हम चारों तरफ लगा लेंगे, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चारों साइडों में लगा लिए सिलाई, और ये देखिए पाइपिंग लग गई है, देखने भी अच्छी लग रही है। अभी हमारी शीट तैयार होगी, अब हम इसे किसी भी यूज़ में ला सकते हैं। हमने जैसे कुछ सब्ज़ी काटनी है तो हम इसे बिछा के आराम सब्ज़ी काट सकते हैं, कहीं भी बेड पे बैठ के हमें कोई चीज़ साफ़ करनी है, साग साफ़ करना है, सब्ज़ी काटनी है, इसे बिछाया और इसके ऊपर सब्ज़ी काटने बैठ गए, अपना इधर छिलक उलक रख दिया, उसके बाद उसे उठा के इसे साफ़ कर दिया, तो ये हमारी शीट रेडी हो गई। हम ऐसी पॉलीथीन को फेंक देते हैं, अभी देखो कितनी बड़ी साइज़ में बड़ी है, आराम से इसे बिछा के इस पर कोई भी काम करके इसे साफ़ करा गीले कपड़े से, और बस ये हमारा रेडी हो गया। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू।